गाइस कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस हीरो इलेक्ट्रिक की एक ऐसी अद्भुत इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है इंडिया में, जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक AE3। सबसे मेन चीज़ तो इसका डिज़ाइन सबसे यूनिक लगता है नॉर्मल जो स्कूटर आप देखते हैं उसके कंपेयर में। और ये थ्री व्हील सेटअप है, और थ्री व्हील ऐसा नहीं है कि फ्रंट में सिंगल व्हील पीछे डुअल व्हील, यहाँ पे फ्रंट में ही डुअल व्हील दिया गया है, रियर में सिंगल व्हील है। और जो व्हील का सेटअप है ना वो एकदम ही यूनिक है। शायद आपने यामाहा की एक स्कूटर देखी होगी, शायद इंटरनेट पे भी देखी होगी, जिसमें फ्रंट में दो व्हील होती है, रियर में सिंगल व्हील होती है। तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी हीरो इस वाले स्कूटर में लाने वाले हैं। हीरो ने इस व्हीकल को शोकेस किया था 2020 के ऑटो एक्सपो में। एंड आपको बता दूं, वैसे तो हीरो चार और स्कूटर लॉन्च करने वाला है दिसंबर में, लेकिन वो पोस्टपोन्ड होकर नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 हो चुकी है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, शायद उससे आगे भी पोस्टपोन कर सकते हैं। फिलहाल हम इस व्हीकल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक AE3। सबसे मेन चीज तो इसका डिजाइन, फ्रंट एंड देखेंगे तो एक मस्कुलर स्कूटर देखने को मिलती है विद मिनिमलिस्टिक डिजाइन। फ्रंट का हेडलाइट इतना बड़ा है विद LED हेडलाइट और LED सेटअप, LED DRL दोनों साइड देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे इंग्रीडिएंट, काफ़ी अच्छे से इसको बिल्ड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेप अप सीट मिलती है, और फ्रंट सीट में आपको बैकरेस्ट मिलता है। एंड आप लोग को समझ ही गए होंगे ये व्हीकल देखने में कितनी ही इम्प्रेसिव है। अब आते हैं यहाँ पे की फीचर्स क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज तो देखने को मिलती है बड़ा सा वाइजर, और यहाँ पे आपको फ्रंट में डुअल फ्रंट व्हील देखने को मिलता है, और बोल सकते हो एक नया और यूनिक टाइप का फ्रंट सस्पेंशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिलता है, जी हाँ टेलीस्कोपिक फोक। हालांकि सस्पेंशन नॉर्मल ही है, लेकिन हाँ इसमें जो सबसे यूनिक चीज है, शायद इसमें मेन स्टैंड की जरूरत भी ना पड़े, फिर भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अगर मेन स्टैंड नहीं भी लगाते हैं तो भी यहाँ पे एक अच्छा फीचर है जिसको हीरो इलेक्ट्रिक बोलता है जायरोस्कोपिक एनेबल ऑटो बैलेंस पार्क फीचर। दैट मींस आपको मेन स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल व्हीकल को खड़ा कर दीजिए, कहीं नहीं जाएगी, कहीं गिरेगी नहीं, सबसे बेस्ट है, और जायरोस्कोपिकली ये वर्क करता है। ये तो बात होगी इस व्हीकल की डिजाइन की, इसके अलावा भी और क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहली चीज तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, मोबाइल चार्जिंग, वॉक असिस्ट, रिवर असिस्ट, 26 किलोमीटर की रिवर्स असिस्ट का टॉप स्पीड देखने को मिलता है, जो कि अगेन काफी अच्छा है। बिकॉज थ्री व्हील सेटअप है, बैक कैसे करोगे, तो बैक के लिए थोड़ा पावरफुल रखा गया, दैट्स फॉर 26 किलोमीटर पर आवर। ऐप कनेक्टिविटी है, रियल टाइम ट्रैकिंग है, जियो फेंसिंग दिया जाएगा इस व्हीकल में। अगर मैं बात करूँ हीरो इलेक्ट्रिक की AE3 की, तो यहाँ पे आपको 5.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है। ये इक्विवेलेंट तो समझ सकते हैं जैसे कि ओला की व्हीकल है वैसा, 5 किलोवाट का उसमें मोटर लगा हुआ, इसमें 5.5 किलोवाट का मिलेगा। यहाँ पे जो बैटरी है वो बैटरी भी काफी बड़ी है, 4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी। एंड यहाँ पे जो सिस्टम यूज किया गया वो बेल ड्राइव है। वैसे तो हीरो इलेक्ट्रिक की जितनी भी व्हीकल्स है सब में हब मोटर मिलता है, लेकिन ये प्रीमियम स्कूटर होगी इस कारण से कंपनी ने यहाँ पे मिड सेट मोटर यूज किया है एंड बेल ड्राइव यूज किया गया है। कंपनी फिलहाल क्लेम कर रही थी उस टाइम 100 किलोमीटर, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली 140 तक देगी इन द रियल टाइम। इस व्हीकल का वेट काफी ज्यादा है, इस कारण से इसका रेंज ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये व्हीकल लाइट वेट होती तो शायद 4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी से बहुत अच्छा रेंज मिलता, लगभग 200 तक इजीली मिल जाता। ये थ्री व्हील सेटअप है, स्कूटर काफ़ी हेवी होने वाला है, इस कारण से यहाँ पे जो रेंज है वो कट के 110 से 140 के बीच में होगा। इस व्हीकल की टॉप स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ पे जो व्हीकल है वो चार्ज होने में 5 घंटे लगाएगी। जी हाँ, 5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है दोनों व्हील्स में, रियर में भी डिस्क ब्रेक दिया गया है, पेटल डिस्क दिया गया है। एंड यहाँ पे रियर में आपको ट्विन गैस शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है। कंपटीशन की बात करें तो अभी इस व्हीकल की कंपटीशन में कोई भी व्हीकल नहीं है, बिकॉज ये ट्राइवल सेटअप है, और ट्राइवल सेटअप में इस टाइप का मॉडल में अभी तक तो कोई भी व्हीकल नहीं है। अभी इतने ही फीचर्स इसके पता चले हैं, और प्राइस एक्सपेक्टेड सुनने में 1.50 लाख, लेकिन जब ये लॉन्च करेंगे ईवी कंपनी जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका प्राइस क्या होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्च 2022 में ये व्हीकल आपको रोड्स पर देखने को मिले, क्योंकि इनोवेशन इन टाइम की गाड़ियों में सबसे ज्यादा हो रहा है अभी फिलहाल। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे लो तो प्लीज शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।